नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ टेस्ट सीरीज़ का लिंक शेयर करें। मंडे टू फ्राइडे अपन रोज़ाना इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएँ। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को संग्रहित करता है कौन, बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रेरकत्व, ऑप्शन बी संधारित्र, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी नन अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर कौन करता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा कौन संग्रहित करता है, संधारित्र अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हुआ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सेकंड क्वेश्चन, धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, धातु का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो धातु जितने भी धातुएं हैं उनके उनका टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो धातु का ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, धातु का तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, बताएं। मानव के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 2000 ओम, ऑप्शन बी 1000 ओम, ऑप्शन सी 500 ओम और ऑप्शन डी 100 ओम। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर कमेंट करके बताएं। ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1000 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विभव में अंतर के कारण चालक में प्रवाहित होती है, बताएं। विभव में अंतर के कारण चालक में क्या प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए धारा, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विभव में अंतर के कारण चालक में क्या प्रवाहित होती है, चार नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा धारा। विभव अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या करंट फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक सर्किट दिया है, संधारित्र सर्किट है, श्रेणी क्रम में 4 माइक्रोफेरेड के 4 प्रतिरोध लगे हैं, तो संधारित्र की तुल्यधारिता क्या होगी, तो तुल्यधारिता इस कंडीशन में क्या निकालते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4, तो 1/4 लिखेंगे प्लस 1/4, ऐसे चारों सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 4/4 = 1, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो गया था, 1 माइक्रोफेरेड हो गया था, काफ़ी लोगों का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिए गए चित्र में धारा का मान क्या होगा, बताएं। आपके सामने जो सर्किट है एक किरचॉफ करंट लॉ पर आधारित सर्किट है, जिसमें 20 एम्पियर धारा आ रही है, 10 एम्पियर धारा आ रही है, 20 और 10 30 एम्पियर आई, उसमें से कितनी निकल गई, 5 एम्पियर निकल गई, 20 और 10 30 में से 5 गई, तो 25 एम्पियर यहाँ आई, 25 में से 6 एम्पियर इधर निकल गया, तो आई का मान कितना आया, 19 एम्पियर, 25 में से 6 गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
कई लोगों का आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रोज़ाना इसी टाइम अपनी तैयारी चेक करने के लिए मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। तो बताएं, फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? बताएं, जो फैन रेगुलेटर में रेजिस्टेंस होता है वह किस धातु का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन बी यूरेका, ऑप्शन सी नाइक्रोम और ऑप्शन डी टंगस्टन। तो बताएं, फैन रेगुलेटर में किस धातु के प्रतिरोध के का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? यूरेका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह आज का क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थ्री फेज फोर वायर में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? बताएं, जो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है उसमें न्यूट्रल का कलर कैसा होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में न्यूट्रल का कलर क्या होता है? काला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से एक सर्किट है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। बताएं, ए और ये जो बी है इसके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा है। 3 ओम 4 ओम के दो रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं, उन्हें एक समान एक वायर से शॉर्ट कर दिया, फिर उनके श्रेणी क्रम में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। देखो 3 ओम 4 ओम रेजिस्टेंस हैं लेकिन इनको एक तार से शॉर्ट कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गए? धारा हमेशा लो रेजिस्टेंस कम प्रतिरोध के मार्ग से जाएगी, तो ये तो नगण्य हो गए। तो इस सर्किट का ये सर्किट कैसा हो गया? सिर्फ ऐसा हो गया 6 ओम। ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या आ गया? 6 ओम आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों रेजिस्टेंसों को अपन ने शॉर्ट कर दिया तार से, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 6 ओम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें कम टाइम लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से हम कमेंट करके बताएं। IS नियम के अनुसार अर्थिंग का कलर है, अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू IS द कलर ऑफ अर्थिंग वायर। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कैसा होता है? लाल, हरा, नीला और काला, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है IS के अनुसार, हैरा। काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? बताएं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी महो और ऑप्शन डी ऑल ऑफ उपरोक्त सभी। तो बताएं, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे अपन इस तरह के टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या हुई? ओम मीटर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन बी विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताएं, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि इनमें से कौन सी है? विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कैडमियम धातु के उपयोग से प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाई यूजिंग कैडमियम मेटल। सेल के अंदर अपन कैडमियम धातु का यूज करते हैं तो सेल के रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है? हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन सही नहीं है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कैडमियम
केडमियम धातु के उपयोग से सेल के रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताएं, केडमियम धातु के उपयोग से सेल के रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेल में केडमियम धातु के उपयोग से सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट होती है, बताएं स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर पर केजी, ऑप्शन बी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी केजी प्रति सेंटीमीटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? देखते हैं आपको कितना पता है, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड का ईएमएफ कितना होगा, बताएं। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है उसका ईएमएफ कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.5 वोल्ट और ऑप्शन डी 2.02 वोल्ट। तो बताएं सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल का वोल्टेज अर्थात ईएमएफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताएं, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी कुलाम, ऑप्शन डी ओल अर्थात उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं फीडबैक कमेंट के रूप में कि आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही हुए, यह आदि चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका कोई सुझाव हो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? जल्दी से आंसर, जैसा कि आप सभी को पता है क्या होता है? टेस्ला। चलिए धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें व यह टेस्ट सीरीज़ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इस टेस्ट सीरीज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगी, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।